ये मेरी टीम है, ये मेरे प्रशासनिक अधिकारी हैं और वो देखो माफिया भाग रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि मैंने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है और अब टाइगर शिकार पर निकला है। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। बदले बदले अंदाज में नजर आए सीएम शिवराज। जनता बोली अब शिवराज नहीं राम राज शुरू हुआ है। सीएम शिवराज बोले अब टाइगर निकला है शिकार पर। घर का सपना पूरा हुआ अपना। इस नारे के साथ इंदौर में सीएम शिवराज ने भूखंड धारकों को उनका हक दिलाया और माफियाओं को प्रदेश छोड़ देने का अल्टीमेटम दे दिया। इस मौके पर बड़े ही कड़क अंदाज में सीएम शिवराज मामा ने साफ कहा कि ये हमारी सरकार है, ये मेरे अधिकारी हैं और वो देखो माफिया भाग रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भू माफिया भाग रहे हैं। जबकि प्लॉट धारकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कहा कि किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा और टाइगर अब शिकार पर निकला है। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार पर निकला है। शिकार भूमाफिया होगा, देखिए लगा शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का। कल मध्य प्रदेश की विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित कर दिया, गलत नियत से दबा के डरा के फुसला के अगर बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाऊंगा, जिंदगी भर जेलों में चक्की। इस दौरान सीएम ने अफसरों को भी कार्रवाई के लिए फ्री हैंड भी दे दिया। इंदौर के प्रशासन को बधाई देता हूं, कमिश्नर विशेषकर कलेक्टर आईजीएसपी, चिंता मत करना, मैं मुख्यमंत्री हूं, तबाह कर दो माफियाओं को, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और कल कलेक्टर कमिश्नर आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस है, 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है मनीष, इंदौर में कैसे साफ किया है, इंदौर मिसाल बनेगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अब अपनी चौथी पारी में किसी को भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और जनता से खिलवाड़ करने वालों को खुले मंच से खुली चेतावनी भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर।